वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 19 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त वितरित की है, जिसकी कुल राशि 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे 80 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। पीएम किसान योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत सरकार से 100% वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह 2018 में शुरू हुई थी और इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार की परिभाषा यानी पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, इसमें जो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे परिवार की परिभाषा के अंतर्गत इस योजना में शामिल होते हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र होंगे। धनराशि सीधे लाभार्थी के इसके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। बहिष्करण श्रेणियां मतलब किस कौन इसके पात्र नहीं हैं, तो लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत जो लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उसमें सभी जो संस्थागत भूमिधारक हैं जो अधिक जैसे जिनकी भूमि है, किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या उससे अधिक संबंधित संवैधानिक पदों पर या पूर्व एवं वर्तमान धारक हैं, उनको भी वो भी इसके लिए पात्र नहीं हैं। और पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व या एवं वर्तमान अध्यक्ष, ये भी पात्र इसके नहीं है। और केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालय कार्यालय विभागों और इनकी क्षेत्रीय इकाइयों में या केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और सरकार के अधीन संबंध जो कार्यालय होते हैं उनके स्वास्थ्य संस्थानों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ श्रेणी 4 या समूह डी कर्मचारी को छोड़कर उपयुक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी जिनकी मानसिक जो आय है वो 10,000 या उससे अधिक है, डी जो श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको छोड़कर वो सभी इसके पात्र नहीं है। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने मूल्यांकन वर्ष में आयकर भुगतान किया है था और पेशेवर से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास के बाद वे अपना व्यवसाय चला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग इसके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक चीनी उद्योग द्वारा असुरक्षित और गैर पेशेवर आचरण के बाद ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिकों को कथित तौर पर मामूली चोटें आई हैं। तो देख लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यानी अनक्लोज के माध्यम से अपनाया गया था। EEZ जैसा कि अनक्लोज के तहत परिभाषित है, इसमें किसी भी देश की भूमि तट के निकट महासागर का एक क्षेत्र है जो 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब अगर ये हमारा भारत है और इसके जो 200 किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र है उस वो हम भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो इसका ये प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन के लिए ये 370 किलोमीटर तक अपना अधिकार रखता है या 200 मील तक। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने परिभाषित EEZ के भीतर एक तटीय राष्ट्र के पास समुद्री तल या उपमृदा और उसके ऊपर के जलीय प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य के लिए वो देश कोई भी देश संप्रभु होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कृत्रिम जो द्वीप होते हैं और प्रतिष्ठान और संरचनाओं की स्थापना, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और उपयोग से संबंध में क्षेत्राधिकार इसको प्रदान किया गया है। अन्य अधिकार और कर्तव्यों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रदान किए गए हैं कुछ, इसमें जहाज़ों और विमानों में EEZ और उसके हवाई क्षेत्रों को पार करने या केबल पाइपलाइन बिछाने का भी अधिकार होता है।
प्रादेशिक समुद्र क्या है, तो टेरिटोरियल सी देख लेते हैं। तो प्रादेशिक समुद्र ये तटीय देशों की आधार रेखा 12 समुद्र मील की सीमा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के भीतर तटीय देश समुद्र के ऊपर वायु क्षेत्र और समुद्र तल और उसके उप मिट्टी पर पूर्ण संप्रभुता होती है। एक तटीय देश नेविगेशन की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम, कमी और नियंत्रण में से संबंधित मामलों पर नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी दायित्व के बिना कानून बना सकता है। तटीय देश के लिए प्रादेशिक समुद्र के भीतर संसाधन का उपयोग सख्ती से आरक्षित है। हमारा अगला आर्टिकल है एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो मिर्गी ये मस्तिष्क विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मिर्गी से जुड़े कुछ मिथक हैं उनको तोड़ने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो आप इसके मिर्गी के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक मस्तिष्क का रोग है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं को ठीक से संकेत नहीं देने के कारण दौरे पड़ते हैं। सामान्यतः दौरे को मस्तिष्क की विद्युत कार्य प्रणाली में अस्थायी परिवर्तन के कारण व्यवहार में ये अचानक से परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर जो मस्तिष्क लगातार एक व्यवस्थित पैटर्न के छोटे विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। यह आवेग न्यूरॉन मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्रों के नेटवर्क और पूरे शरीर में यूरोट्रांसमीटर नामक एक रासायनिक संदेश वाहकों के माध्यम से गति करते हैं। मिर्गी में मस्तिष्क की विद्युत लय असंतुलित हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरे वाले रोगियों में विद्युत ऊर्जा में अचानक और समकालीन विस्फोट के कारण विद्युत पैटर्न बाधित हो जाता है जो उनकी चेतना गतिविधियों या संवेदनाओं को थोड़े समय के लिए प्रभावित कर सकता है। मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि के स्थान पर इसके आधार पर दौरे दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत इसको दौरों को किया जा सकता है। इसमें मस्तिष्क के एक हिस्से में दौरे को फोकल दौरा कहा जाता है और यह सामान्य चेतना की हानि के साथ आता है। सामान्यीकृत दौरे तो के मामले में मस्तिष्क के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। यह एक दीर्घकालिक गैर संचारी रोग है। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मिर्गी जिसे कभी कभी दौरे का विकार भी कहा जाता है, इसके कई अलग अलग कारण और दौरे के प्रकार हो सकते हैं। कुछ लोग को ऐंठन हो सकती है यानी शरीर पूरा ऐंठ जाता है लकड़ी जैसा, और इसमें मांसपेशियां बार बार सिकुड़ती हैं और चेतना को खो देते हैं, मतलब बेहोश हो जाता है इंसान। लोग सिर्फ वही करना बंद कर सकते हैं जो वे कर रहे हैं। जागरूकता में थोड़ी कमी हो सकती है और थोड़े समय के लिए ये मतलब लगता है कि कहीं दूसरी दुनिया में चले गए हैं। मिर्गी कई प्रकार की स्थितियों की के परिणाम स्वरूप विकसित हो सकती है जो सामान्य मस्तिष्क गतिविधियों को बाधित कर सकती है, जिन्हें सहगठित स्थितियां के रूप में जाना जाता है। मिर्गी का कारण बनने वाली स्थितियों का के उदाहरण में शामिल है। इसमें जो मिर्गी किस किस कारण से आती है, इसमें ब्रेन ट्यूमर, जो मिर्गी का कारण बनने वाले जो स्थितियां होती हैं उनके उदाहरणों में शामिल है ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट, शराबखोरी या शराब बंद करना, अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक, दिल का दौरा और अन्य स्थितियों में मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित करती हैं। ये इनके कारण मिर्गी आ सकती है। सामान्य रक्त वाहिका निर्माण जिसे धमनी शिरापरक विकृति कहा जाता है या मस्तिष्क में रक्तस्राव, मस्तिष्क में जलन या सूजन, मेनिनजाइटिस या HIV से संबंधित संक्रमण और वायरल इंसेफलाइटिस जैसे संक्रमण। दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी के रोग से ग्रसित हैं। इसे वैश्विक स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक बनाती है। मिर्गी से पीड़ित लगभग 80% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। मिर्गी से पीड़ित लोगों में समय से पहले मौत का खतरा सामान्य आबादी की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। हमारा अगला आर्टिकल है गामा किरण विस्फोट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। एक बड़े तारे की मृत्यु एक बड़े विस्फोट से हुई जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जिससे गामा किरणों का एक बड़ा विस्फोट हुआ जो ब्रह्मांड से होकर पिछले साल पृथ्वी तक पहुंची, जिससे पृथ्वी आयन मंडल में एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी हुई। तो इसके बारे में देखते हैं। यह एक उच्च ऊर्जा गामा किरण का एक शक्तिशाली खगोलीय ब्रह्मांडीय विस्फोट है। ये कुछ ही सेकेंड में उससे या उससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है जितनी हमारा सूर्य अपने जीवन काल में उत्सर्जित करेगा।
इसके दो अलग अलग उत्सर्जन चरण हैं। इसमें अल्पकालिक त्वरित उत्सर्जन, इसमें प्रारंभिक विस्फोट चरण जो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, इसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाला बहुतरंग दैर्ध्य आफ्टर ग्लो चरण है इसमें। तो ये सबसे छोटे जीआरबी संभावित रूप से दो कॉम्बैक्ट तारकीय अवशेषों की टक्कर को चिन्हित करते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, और ये सबसे लंबे विस्फोट तक उत्पन्न होते हैं जब एक विशाल तेजी से घूमने वाला तारा एक ब्लैक होल बनने के लिए ढह जाता है। गामा किरण के स्रोत क्या हैं? तो ये ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं जैसे कि न्यूट्रॉन तारे और पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों द्वारा निर्मित होते हैं। पृथ्वी पर गामा तरंगें परमाणु विस्फोटों और बिजली और रेडियो धर्मी क्षय को कम नाटकीय गतिविधि से उत्पन्न होती हैं। आयन मंडल क्या है? तो एक ग्रह जो पृथ्वी है उसके ऊपरी वायुमंडल की एक परत है जिसमें विद्युत आवेशित गैसें होती हैं जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 30 से 600 मील या 50 से 950 किलोमीटर पर ऊपर उपस्थित है। ये अंतरिक्ष के निर्वात और निचले वायुमंडल के बीच की एक सीमा बनाने में मदद करता है। ये सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए मदद करता है। ये अंतरिक्ष में बदलती चुंबकीय और विद्युत स्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जो आमतौर पर सौर गतिविधि से जुड़ा होता है। ये सौर विकिरण की प्रक्रिया में फैलता और सिकुड़ता भी है। हमारा अगला आर्टिकल है नई पौधों के भी कुछ प्रजातियों की खोज की गई है उसके बारे में। तो अभी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में सदाबहार वन क्षेत्रों में दो नई पौधों की प्रजातियों की खोज की सूचना दी है। तो ये BSI वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए अन्वेषणों के दौरान नई प्रजाति मुंसेंडा कन्फर्टा और रुगिया लंगिस्टाचा की खोज की गई है। मुंसेंडा कन्फर्टा इसे कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के चट्टानी इलाकों से इसकी खोजा गया है, और ये मुंसेंडा हिरसुटिस्मा परिवार से संबंधित है। ये उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के में चट्टानों के आसपास को पसंद करता है। इसे आकर्षक फूल और इस पौधे की सजावटी क्षमता को पता उससे पता लगाया जा सकता है। रुंगिया लोंगिस्टाच यह एकाइनथेंसी परिवार से संबंधित है। इसकी खोज केरल में इडुक्की बांध स्थल के पास अनामलाई क्षेत्रों के नम स्थानों से की गई है। यह पौधा एक जड़ी बूटी है और सदाबहार जंगलों के किनारे ये उगता है। पश्चिमी घाट में रुंगिया को केरल में 11 प्रजातियां रिपोर्ट की गई हैं, और नए खोजे गए जो पौधे में लंबे पतले डंठल और हल्के गुलाबी सफ़ेद फूलों के साथ एक विशिष्ट संकीर्ण लंबी स्पाइक मिली है। तो कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है और ये भारत के सबसे दक्षिणी सिरे के पास तीन प्रमुख जल निकायों के संगम बिंदु पर स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इसे ये हमारा अगर भारत का मैप है तो ये अरब सागर है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और इधर इंडियन ओशियन, तीनों के तट पर यहाँ पर कन्याकुमारी यहाँ पर है। ये भारत की सबसे दक्षिणी सिरे के पास तीन प्रमुख जल निकायों संगम पर स्थित है, इसमें जो हमने अभी देख लिया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये इस जंगल में 7 नदियों का उद्गम स्थल है जिसमें प्रसिद्ध पहराली और थमिराब रानी नदियां शामिल हैं। इन्हें यहाँ पर वनस्पतियों में तो ये कांटेदार जंगलों में शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगलों और घास के मैदानों के साथ यहाँ सदाबहार पहाड़ी सोलों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जीव जंतुओं में यहाँ पर भारतीय बाइसन, हाथी, नीलगिरी, ताहर, सांभर, हिरण, शेर पूंछ वाले मकाक और भारतीय रॉक पाइथन जैसे सरीसृपों का यहाँ पर घर है। हमारा अगला आर्टिकल है खसरा के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। स्वास्थ्य अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी DCDC की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुमानित 11 लाख बच्चे 2022 में खसरे के टीके की अपनी महत्वपूर्ण पहली खुराक लेने से चूक गए। तो इसी तभी चर्चा में है, आइए देखते हैं। ये एक अत्यधिक संक्रामक और वायुजनित रोग है। ये पैरामाई
कुसो वायरस परिवार के एक वायरस के कारण होता है और ये आम तौर पर सीधे संपर्क और हवा के माध्यम से फैलता है। इस वायरस में श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में ये फैल जाता है, जिससे गंभीर बीमारी, जटिलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें पहला लक्षण है तेज बुखार होता है, जो वायरस के संपर्क में आने के लगभग 10 से 14 दिनों के बाद शुरू होता है और 4 से 7 दिनों तक ये रहता है। शुरुआती चरण में नाक बहना, खांसी और लाल और पानी वाली आंखें और गालों के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे विकसित हो सकते हैं। कई दिनों के बाद दाने निकल आते हैं, आमतौर पर चेहरे और गर्दन के ऊपरी हिस्सों पर। दाने लगभग 3 दिनों तक फैलते हैं, अंततः हाथों और पैरों तक ये पहुँच जाते हैं। मुरझाने से पहले 5 से 6 दिनों तक ये रहते हैं। कोई भी गैर प्रतिरक्षित व्यक्ति जिसे टीका नहीं लगाया गया है या टीका नहीं लगाया गया है लेकिन उसे प्रतिरक्षा विकसित नहीं हुई है तो ये संक्रमित हो सकता है। बिना टीकाकरण वाले छोटे बच्चे और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको इस खसरे की गंभीर जटिलताओं का खतरा सबसे अधिक होता है। उपचार के लिए क्या हो सकता है? तो खसरे के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है येलो स्पॉटेड अमेजन नदी कछुआ के बारे में। तो आइए देख लेते हैं, देखो पीला कलर का कछुआ है। पेरू के अमेजन एक विस्तारित गर्मी की लहर और सूखे ने स्थानीय पर्यावरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जीव विज्ञानों द्वारा नदी में छोड़े गए हजारों येलो स्पॉटेड अमेजन नदी कछुओं के बारे बच्चों के लिए एक उष्मामय अवधि का छोटा कर दिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे येलो स्पॉटेड अमेजन नदी कछुओं को इसे साइड नेक्ड कछुआ के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने सिर को अपने खोल में वापस नहीं ले सकता। मतलब आमतौर पर हम कछुआ होते हैं तो जो उनका मुंह होता है उसको बाहर निकालते हैं खाने पीने के लिए कीड़े मकोड़े, और उसको तो अंदर ले लेते हैं अपने, जो उनका ऊपर वाला कपाल होता है उसके, ये नहीं ले सकता है। ये हैचलिंग के सिर पर बहुत स्पष्ट पीले धब्बे होते हैं जो बड़े होने पर सिकुड़ जाते हैं। इसमें भूरे या जैतून के रंग के गोले होते हैं और अपने विशिष्ट पीले धब्बों और काले सलकों के लिए जाने जाते हैं। नर कछुए होते हैं, उनके कुछ धब्बे बनाए रखते हैं। इसमें मादाएं अपने धब्बों को पूरी तरह खो देती हैं। इनका मूल निवास अमेजन नदी बेसिन के मूल निवासी हैं ये, और वेनेजुएला, पूर्वी कोलंबिया, पूर्वी इक्वाडोर और पूर्वोत्तर पेरू, गुयाना, ब्राज़ील, उत्तरी बोलिविया में जो अमेजन हैं उनके ओरिनोको नदी प्रणालियों में ये पाए जा सकते हैं। ये कछुआ नदी के किनारे पर और एक बड़ी नदियों और उनके झरनों में शांत पानी में आनंद लेते हुए समय बिताते हुए देखे जा सकते हैं। वे तेज बहाव में पानी से बचते हैं, मतलब जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है वहीं ये रहते हैं, और ये सर्वाहारी होते हैं यानी सब कुछ खा लेते हैं, वनस्पति छोटे जानवरों दोनों को भी भोजन करते हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति है, तो इनकी संरक्षण की स्थिति में ICN की ये रेड लिस्ट में असुरक्षित है। हमारा अगला आर्टिकल है अर्गोलैंड के बारे में। तो अभी भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में अर्गोलैंड की खोज की है, जो एक भूभाग है जो 155 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। तो ये अर्गोलैंड एक खोया हुआ महाद्वीप था जो 155 मिलियन वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। 3106 मील का ये मायावी विस्तार कभी ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का अभिन्न अंग था। ये विघटित हो गया क्योंकि टेक्टोनिक ताकतों ने भूभाग को फैलाया और इसे दक्षिण पूर्व एशिया में बिखरने से पहले महाद्वीप से इसे बाकी हिस्सों से इसको दूर कर दिया। ये शुरू में उत्तर पश्चिम की ओर चला था जहां आज कई दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप मौजूद हैं, लेकिन भारत के विपरीत 120 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन महाद्वीप जो गोंडवाना से टूट गया था और आज भी ये अक्षुण्ड भूभाग का निर्माण करता है। अर्गोलैंड टुकड़ों में विभाजित हो गया। अपने गंतव्य तक पहुँचने वाले इन टुकड़ों का ने एक साथ एकीकृत भूभाग के बजाय एक द्वीप समूह का निर्माण किया है। अर्गोलैंड जो एक समुद्री घाटियों से अलग होकर एक द्वीप समूह के रूप में फैला हुआ है, इसने दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों के निर्माण में योगदान दिया है। गोंडवाना के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो गोंडवाना ये लगभग 550 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व तक लॉरेशिया के साथ एक महाद्वीप हुआ करता था। ये महाद्वीप अंततः उन भूभागों में विभाजित हो गया जिन्हें हम आज पहचानते हैं, जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप।
हमारा अगला आर्टिकल है छठ पूजा के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में छठ का महान त्यौहार शुरू हो गया है और आज छठ पूजा का जो शाम का अर्घ दिया जाएगा, तो अनुष्ठान इसमें भक्ति के साथ ये मनाया जाता है। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी को समर्पित है, जिन्हें अक्सर छठी मैया भी कहा जाता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस छठ पूजा की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि इसमें हिंदू धर्म के अधिकांश त्यौहारों के विपरीत कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये त्यौहार दिवाली के बाद अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। दिवाली त्यौहार के खत्म होते ही छठ त्यौहार शुरू हो जाता है, यानी दिवाली के जो छठवें दिन होता है। ये लगातार चार दिनों तक बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी किसी जल स्रोत में डुबकी लगाना शामिल है। लोग विशेष प्रसाद और अनुष्ठान करने के लिए गंगा जल को अपने घरों में भी ले जाते हैं। इस दिन घरों की अच्छी तरह से साफ सफाई भी की जाती है। छठ के दूसरे दिन, जिसे खरना के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं, जिसे देर शाम को धरती माता की पूजा करने के बाद समाप्त किया जाता है। भगवान को प्रसाद में चावल की खीर और फल शामिल होते हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच उसको वितरित किया जाता है। छठ के तीसरे दिन सायंकाल के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे सांझिया अर्घ भी कहा जाता है। सायंकाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदियों के तट पर एकत्र होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। तीसरे दिन की रात एक रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, जिसे कोसी के नाम से जाना जाता है। गन्ने की लकड़ियाँ के एक छत्र से बनाए गन्ने होते हैं, उनसे एक छत्र बनाया जाता है और उस छत्र के अंदर प्रसाद से भरी टोकरियों के साथ जलते हुए मिट्टी के दीपक रखे जाते हैं। छठ के चौथे और अंतिम दिन परिवार के सदस्य और रिलेटिव्स को सूर्य उदय से पहले नदियों के किनारे जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस अनुष्ठान के बाद भक्त उपवास को समाप्त करते हैं और पड़ोसी और अपने रिलेटिव्स को प्रसाद वितरित करते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।